मेरा नाम जेठूराम फॉरवर्ड, मेरा गांव मंगलना है, मेसी गांव का रहने वाला हूं। मैं सत्र 2001 से जब यह विद्यालय माध्यमिक विद्यालय से एक अलग प्राथमिक विद्यालय हुआ उसी समय से इस विद्यालय में कार्यरत हूं। इस विद्यालय में मैं 2001 से नोडल प्रधानाध्यापक का कार्य भी कर रहा हूं। विद्यालय इस मंगलना ग्राम पंचायत में सरकारी विद्यालयों की संख्या 7 है और निजी विद्यालयों की संख्या 2 है। दो जो निजी विद्यालय हैं वो दोनों ही उच्च माध्यमिक स्तर के हैं। इसके अलावा जो सरकारी विद्यालय है, जो सबसे बड़ा विद्यालय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मंगलाना, उसमें बच्चों की जो संख्या है, छात्र छात्राओं सह शिक्षा होती है, बच्चों की संख्या लगभग 450 के लगभग है और स्टाफ की संख्या माध्यमिक विद्यालय में कुछ न्यून है। यहाँ इसके अलावा मंगलाना ग्राम में 8वीं तक का सरकारी विद्यालय है और उस विद्यालय में बच्चों का जो नामांकन है वो नामांकन लगभग 140 के लगभग है। अध्यापकों की संख्या बालिका विद्यालय में पर्याप्त है, अच्छी वहाँ सुविधाएं हैं। और जो तीसरा विद्यालय जो है वो PS मंगलाना है, यहाँ भी अध्यापकों की संख्या पर्याप्त है और इस विद्यालय का नामांकन लगभग 50 है। इसी तरह जो इस क्षेत्र के नाकाबस्ती जो राजस्व ग्राम है, नाकाबस्ती में उच्च प्राथमिक विद्यालय है, वहाँ भी अध्यापकों की संख्या पर्याप्त है और वहाँ का नामांकन लगभग 250 है। इस बाद में जो राजस्व ग्राम कलकला की ढाणी है, कलकला की ढाणी में अध्यापकों की संख्या पर्याप्त है और वहाँ का नामांकन लगभग 90 है। गुड्डा भी राजस्व ग्राम है, गुड्डा राजस्व ग्राम में 2 प्राथमिक विद्यालय हैं। जो गुड्डा प्राथमिक विद्यालय है वहाँ का नामांकन लगभग 35 है, 2 अध्यापक कार्यरत है। और जो जादरोगढ़ाणी का प्राथमिक विद्यालय है वहाँ भी 2 अध्यापक कार्यरत है, वहाँ का नामांकन 25 है। इसी प्रकार अब सरकारी विद्यालयों में MDM की जो सुविधाएं हैं वो अच्छी तरह से चल रही है। MDM में मेनू है, सोमवार को सब्जी रोटी, मंगलवार को दाल चावल, बुधवार को दाल रोटी, गुरुवार को नमकीन चावल, शुक्रवार को दाल रोटी, शनिवार को सब्जी रोटी और मौसम के अनुसार प्रत्येक मंगलवार को मौसमी फल दिए जाते हैं। सभी सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण किया जाता है और वो इसी नोडल केंद्र से होता है। सभी सरकारी विद्यालयों में सरकारी जो छात्रवृत्तियां हैं उनका नियमित समय से वितरण होता है। यहाँ सभी विद्यालयों में बालक और बालिकाओं के लिए अलग अलग शौचालय सुविधाएं उपलब्ध है, पानी की भी अच्छी सुविधाएं हैं। हमारे इस विद्यालय में हैंडपंप की अच्छी सुविधा है, बालिका विद्यालय में भी पानी की अच्छी सुविधा है और अध्यापकों की संख्या पर्याप्त है। यहाँ जो इस गांव में समस्या के अभाव में देखा जाए तो जो उच्च माध्यमिक विद्यालय है वो तो पूर्ण रूप से संपन्न है, लेकिन जो दो विद्यालय है इन दोनों विद्यालयों में बिजली का अभाव है। सरकारी विद्यालय में अच्छा नामांकन होने के कारण